तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि हाउ एश गॉट 30 टॉरस, और ये एक बैंड एपिसोड था पोकेमोन का, और इस पे क्या अमेजिंग रिस्पांस आया। सो मैंने फिर इसकी डेट देखी कि मैंने आखिर ये एपिसोड या वीडियो डाली कब, कुछ दिन, आई मीन सीरियसली काफी ज्यादा समय हो चुका है किसी बैंड एपिसोड पे वीडियो किए। सो चलिए आज जानते हैं एक ऐसे एपिसोड के बारे में जिसने जापान में तहलका मचा दिया था, और क्या जानेंगे इस इंट्रो के उस पार। सो लेट्स बिगिन। सो ये एपिसोड सिर्फ जापान में रिलीज किया गया था, अदर कंट्रीज में क्यों नहीं? वेल यू सी, इसके पीछे एक स्टोरी है। तो सबसे पहले इस एपिसोड का नाम रखा गया था साइबर सोल्जर पॉलीगॉन, जो कि बाद में चेंज कर दिया गया इलेक्ट्रिक सोल्जर पॉलीगॉन में, और ये बिल्कुल सफारी जोन वाले एपिसोड की तरह ही कॉन्ट्रोवर्शियल था। सो इस एपिसोड में एश, ब्रॉक और मिस्टी जाते हैं एक पोकेमोन सेंटर में, जहां नर्स जॉय उन्हें बताती है कि यहां के पोकेमोन सेंटर से पोकेमोन ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि उस पीसी में एक तरह का वायरस चला गया है, और उसे हटाने के लिए टीम रॉकेट को उस पीसी में भेजा गया, बट वो अपनी आदतों से मजबूर वो उस पीसी में भी स्टुपिडिटी करने लग गए, मतलब सीरियसली कुछ भी। तो अब क्या, एश और टीम तैयार हो जाते हैं पीसी में जाने के लिए टीम रॉकेट को रोकने और वायरस को हटाने। पर अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, मेरे और शायद आपके दिमाग में भी यही क्वेश्चन चल रहा होगा। वेल, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, एश और टीम उसे एंड में ठीक कर लेते हैं एंड ऑल, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम है एक बीच के सेक्शन से, जहाँ पे एक बहुत बहुत ही अमेजिंग चीज होती है। वेल कौन सी, जानते हैं आगे। तो एश और टीम इस पीसी में घूमते रहते हैं और फिर उन्हें पॉलीगॉन मिल जाता है, पर एक साइंटिस्ट जो एक एंटीवायरस की तरह कुछ मिसाइल्स इस पॉलीगॉन पे छोड़ देता है, जिस पे एश और टीम सफर कर रहे होते हैं, और उसे बचाने के लिए पिकाचू थंडरबोल्ट यूज करता है। पर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? रॉन्ग। जब ये थंडरबोल्ट यूज होता है ना, तो एक ब्लू और रेड कलर की लाइट कंटिन्यूसली फ्लिकर होती है, जिसके कारण आंखों में इतना स्ट्रेन तैयार हो जाता है कि मतलब दिमाग दुखने लग जाता है, और इससे ही प्रॉब्लम्स तैयार हुए। वेल यू सी, ये जो लाइट थी ना, वो 12 हर्ट्ज की थी, जिसके कारण ये आंखों में कंटिन्यूअसली हर्ट करती थी और ब्रेन पल्सेस को स्लो कर दिया था, जिसके कारण इस एपिसोड के रिलीज होने के सिर्फ आधे घंटे में ही करीबन 800 से ज्यादा बच्चे एडमिट हो चुके थे हॉस्पिटल में। तो इन बच्चों को लेकर एक बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी तैयार हो गई, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा था जापान में, इससे पहले भी एक गेम की वजह से कई सारे बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए थे, और सिमिलर सिचुएशन लग रही थी तब तक जब तक कई सारे बच्चों की मौत नहीं होगी। जी हाँ, कई सारे बच्चे मर गए, और कई बच्चों को इस शॉक से रिकवर होने में कई कई हफ्ते लग गए। तो ये एपिसोड था एपिसोड 38, जो कि 16 दिसंबर 1997 में रिलीज किया गया था, और तब पोकेमोन की कंपनी जस अपना बेस फॉर्म ही कर रही थी, तो उनके लिए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी से गुजरना काफी ज्यादा मुश्किल था, और ये उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड बन गया था। और आज भी इस एपिसोड को द डार्केस्ट एपिसोड के नाम से भी जाना जाता है पोकेमोन कम्युनिटी में। तो अगर आप एनिमे के एक बहुत ही स्ट्रांग फैन है और आप रॉम हैक्स के बारे में भी जानते हैं, तो आपने पोकेमोन का एश ग्रे वर्जन जरूर खेला होगा, और इसमें दो ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आखिर ये हुए कब? वेल, हमें तो पता ही नहीं। वेल, ये वही दो एपिसोड्स है जिसके बारे में मैंने बात की है, पहला सफारी जोन और सेकेंड ये इलेक्ट्रिक सोल्जर पॉलीगॉन वाला, जो कि काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था, पर फिर भी इसे इस रॉम हैक में इंक्लूड किया गया। तो ये रहा एक डीप टॉक एक पोकेमोन के डार्केस्ट और मिस्टीरियस एपिसोड पर। वेल, अगर बात करें ना, तो पोकेमोन के काफी सारे एपिसोड्स हैं जो काफी सारे कंट्रीज में बैन है, और काफी सारे पोकेमोन्स हैं जो कि चेंज किए गए हैं कंट्री वाइज, और गेम स्प्राइट्स भी है जो कि चेंज किए गए हैं कंट्री वाइज। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं उन टॉपिक्स को भी कवर करूँ, तो कमेंट करो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो कुछ अपने व्यूज, कुछ अपने आइडियाज। और मैंने ये एपिसोड बिल्कुल नहीं देखा है, क्योंकि मैं अपना दिमाग खराब नहीं कराना चाहता। सो अगर आपने एपिसोड देखा है तो मुझे बताओ, क्या मुझे ये देखना चाहिए या बस छोड़ ही दूँ? और हाँ, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि हम बहुत ही जल्द एक बड़ा माइलस्टोन हिट करने वाले हैं, और मुझे फर्दर सपोर्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे फॉलो करो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी।
और मैं मिलूंगा आपको ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए इट इज दी एंड आई एम साइनिंग आउट, बाय बाय।